हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विलेज स्टार्टअप में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे ये क्या है और इससे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में फ़ायदा होगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत में एक बहुत बड़ी एक तरीके से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, जिससे दोस्तों मालगाड़ियों में स्पीड लाने के लिए, माल ज़्यादा ढोने के लिए ये बनाया जा रहा है। ये अलग से रूट होगा सिर्फ मालगाड़ियों लिए, जिसमें सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी, ताकि मालगाड़ी जल्दी यानी समय से चलें और कभी लेट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा माल एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर सके। अब दोस्तों इसके आने की वजह क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आने की वजह क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है और जो मालगाड़ी वाली ट्रेन है, ये एक ही रूट पे चलती हैं, एक ही ट्रैक पे चलती हैं, जिससे क्या होता है कि वैसे मालगाड़ियों की स्पीड उतनी तेज़ होती नहीं है। पैसेंजर ट्रेन की वजह से इन ट्रेन को लेट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आपको पता है कि अब एक ही रूट पे ये सारी ट्रेनें चलेंगी तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और बात करें उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश से जो रूट जाते हैं दिल्ली NCR से, वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो वहाँ पर अगर कोई मालगाड़ी से कोई सामान की आवाजाही होती है, कोई प्रोडक्ट की आवाजाही होती है, तो वो बहुत लेट हो जाती है। इससे दोस्तों बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे समय ख़राब होता है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, पैसों का नुकसान होता है। और उसी के साथ साथ व्यापारी रेलवे का उपयोग नहीं करना चाहते, वो रोडवेज़ को ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट आया, जिससे पूरे भारत में जो मुख्य शहर हैं उनको वहाँ पर जो है मालगाड़ी की जो व्यवस्था है उनके लिए नया ट्रैक तैयार करवाना है, जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अभी दो मेन जो काम चल रहे हैं उसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम चल रहा है। इस कॉरिडोर के आने से क्या होने वाला है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो मालगाड़ी है उसकी आज के समय में एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जैसे ही ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा, जो मालगाड़ी है उसकी एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर रहेगी। और ये नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है, जैसे कि जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता था, मालगाड़ी भी उसी ट्रैक पे चलती थी, उसके साथ साथ पैसेंजर ट्रेनें भी उसी ट्रैक पे चलती है। तो इससे क्या होगा कि पैसेंजर ट्रेनों पे भी लोड कम हो जाएगा और उसके साथ साथ मालगाड़ी पे भी लोड कम हो जाएगा, क्योंकि मालगाड़ी का अपना एक अलग ट्रैक होगा। तो ना मालगाड़ी ट्रेनें लेट होंगी और ना ही नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेनें ज़्यादा लेट होंगी। और उसके साथ साथ जो ये रूट बनाया जाएगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर, ये सारे रूट फुली इलेक्ट्रिफाइड होंगे। तो ये है, तो यही है फ्रेट कॉरिडोर जो कि बनाया जा रहा है, और इसके बहुत सारे भाग हैं। मैं सिर्फ इसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर से जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो व्यापारी हैं वो ज़्यादातर रेलवे की बजाय रोडवेज़ को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में भारी मात्रा में FDI आएगी और व्यापार होगा, तब तो दोस्तों रेलवेज़ की जरूरत ही पड़ेगी, मालगाड़ियों की जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में सामान इधर उधर करना है। अब वो ट्रकों से तो इतना हो नहीं पाएगा एक समय में, लेकिन इधर मालगाड़ियों की अहमियत बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ताकि बहुत सारा माल ढोया जा सके और स्पीड में। अब चलिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो ये लुधियाना, यानी लुधियाना पंजाब से धनकुनी, जो कि है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये पूरा कॉरिडोर बनेगा। इसकी जो टोटल लेंथ है 1839 किलोमीटर, इतना बड़ा है। और इसकी जो ट्रैक गेज है 5 फीट 6 इंच है। इसका ऑनर इंडियन रेलवे है और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सबसे गुजर कर निकलेगा। अगर बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ है, लगभग 1058 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश में ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक बात दोस्तों बता दूं आपको, जो सेक्शन वन है, जो लुधियाना से खुर्जा है, खुर्जा बुलंदशहर में है, यहाँ तक का जो ट्रैक है वो सिंगल है, सिंगल रूट इलेक्ट्रिफाइड, यानी यहाँ पर सिंगल है, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी थी, लेकिन जो ट्रैक है फुली इलेक्ट्रिफाइड है। और उसके बाद जितने भी है, जैसे खुर्जा से पूरा धनकुनी तक, यहाँ पर डबल रूट इलेक्ट्रिफाइड है, सिंगल सिर्फ लुधियाना और खुर्जा था, उसके बाद डबल रूट इलेक्ट्रिफाइड है। इस कॉरिडोर में कुल मिलाकर 104 ब्रिज होंगे, 368 रोड ओवर ब्रिज होंगे, 189 रोड अंडर ब्रिज होंगे और 21 फ्लाई ओवर होंगे। अगर मैं आपको बता दूं तो इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2021 है और ये 2021 में लगभग पूरा दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। बहुत ही सेक्शन में ये काम चल रहा है, तो बहुत सारे सेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे सेक्शन का काम चल रहा है, और 2021 के दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगा।
DFC के अकॉर्डिंग यानी कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के अंतर्गत जो मालगाड़ियों के डब्बे होंगे वो कैसे होंगे, तो दोस्तों ये अलग जगह अलग अलग होंगे। जैसे कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है वहाँ पर सिंगल स्टेक यानी कि सिंगल कंटेनर वाले डब्बे होंगे, और अगर बात करें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की तो वहाँ पर डबल स्टेक यानी डबल डब्बे वाली मालगाड़ियाँ चल सकती हैं। लेकिन जो सिंगल स्टेक की मालगाड़ियाँ चलेंगी उनमें जो कंटेनर्स का उपयोग होगा वो पहले के मुकाबले ज़्यादा मॉडिफाई होंगे। जो दोस्तों DFC के ट्रैक्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा भारी क्षमता झेल सकते हैं, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा भारी क्षमता झेल सकते हैं क्योंकि ये दोस्तों न्यू ट्रैक्स होंगे। और दोस्तों इसके अंतर्गत जो डब्बे हैं कंटेनर हैं उनकी चौड़ाई ऊंचाई लंबाई भार क्षमता इन सबको बढ़ाया जाएगा। जो आज लंबाई 800 मीटर है वो 1.5 किलोमीटर तक हो सकती है, वेट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो कंटेनर्स हैं उनका मॉडिफिकेशन बहुत सारा होगा, इनकी पटरियाँ भी बहुत ही मजबूत और आधुनिक होंगी। तो एक तरीके से ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं। ये कुल मिलाकर रेलवे से व्यापार करने के लिए और उसके साथ रेलवे से व्यापार को आसान बनाने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट आए हैं। चलिए दोस्तों अब हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का ये देखते हैं कि किस प्रकार ये उत्तर प्रदेश की इकॉनमी में फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और उसके साथ साथ अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। अब इन कॉरिडोर से बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। अगर दोस्तों मैं डिफेंस कॉरिडोर की बात करूं तो इसके सारे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अंदर आर्मी रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो उन सबको तेज़ी से एक्सपोर्ट हो पाए। और उसके साथ साथ अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होगा जिसमें दोस्तों बहुत सारे चीज़ें लगाई जाएंगी जैसे मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, डेयरी, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण यहाँ पर होगा। तो यहाँ से दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके साथ साथ प्रोडक्शन होगा, तो उसको जो ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर होगा इसको उसी के बगल से ले जाया जाएगा। यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के बगल से ये सारे कॉरिडोर्स रहेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों कि माल तुरंत वहाँ तैयार होगा और माल को तुरंत इन जो मालगाड़ियाँ होंगी इन पर लादकर एक दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है इन सारों को एक साथ जोड़ा जाएगा, जैसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, इन सबको एक साथ जोड़ा जाएगा और इनको बाद में सी पोर्ट्स यानी कि जो दोस्तों बंदरगाहें यहाँ तक जोड़ा जा सकता है रोड के माध्यम से, हाईवे के माध्यम से। तो एक तरीके से ये एक्सपोर्ट को तेज कर सकता है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकता है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट तेज़ी से हो सकता है। और दोस्तों एक फ़ायदा इससे और होगा कि आपको पता है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग होती है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जो पुरानी रेलवे सिस्टम है यानी पुराना मालगाड़ी का जो सिस्टम है उससे दोस्तों बहुत सारा फूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि दोस्तों मालगाड़ी में फूड लदा रहता है और जैसी जैसी वो लेट होता है जो फूड है बहुत सारा सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इससे उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर आने से न केवल एक्सपोर्ट में तेज़ी आएगी, एक्सपोर्ट की तेज़ी के साथ साथ जो सामान सड़ जाता था, नुकसान होता था यूपी को, वो नहीं होगा। और दोस्तों मैं आपको जो इंडस्ट्री बन रही है, एक कॉरिडोर बन रहा है इंडस्ट्री का जो कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता, ये जो कॉरिडोर बन रहा है इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको पता रहेगा किस प्रकार बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जा रहे हैं रेलवे पटरी के नज़दीक, जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर है इसके नज़दीक ये बनाए जा रहे हैं ताकि एक्सपोर्ट को भारी मात्रा में जो है करा जाए और व्यापार हो तेज़ी से। तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा यूपी के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।